जब सभी और ईश्वर को लेकर भ्रम छाया था, लोग ईश्वर को पाने का सही मार्ग ढूंढ रहे थे। जब लोगों ने ईश्वर को भी धर्म के अनुसार बांट दिया, तब सच्चे पिता श्री गुरु नानक देव जी को खुद करतार ने, जब वे काली बहन नदी के किनारे स्नान करने गए, अपना प्रकाश अथवा ज्ञान दिया और लोगों तक परमात्मा का संदेश फैलाने को कहा। जब गुरु जी नदी के बाहर परमात्मा का संदेश लेकर लोगों से मिले, तब उन्होंने पहली बार मूल मंत्र का उच्चारण किया और उस मूल मंत्र में उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया जो लोग सदा से ढूंढते आए थे और आज भी अज्ञानता के कारण ढूंढ रहे हैं। गुरु जी ने उन प्रश्नों का जवाब 9 शब्दों में दिया। जवाब जानने से पहले आइए देखते हैं वे प्रश्न क्या थे। पहला, अगर इतने सारे धर्म हैं तो भगवान कितने हैं? दूसरा, भगवान कहाँ रहता है? तीसरा, मनुष्य के लिए सत्य क्या है? चौथा, कहीं नदी बह रही है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, यह सब कौन कर रहा है? पांचवा, कुछ लोग कहते हैं ऊंची जात वाले लोगों का ईश्वर पर ज्यादा हक है, क्या ईश्वर जात पात देखकर किसी से प्यार, दुश्मनी या डरता है? छठा, जिस तरह मनुष्य के जीवन का एक समय है, काल है, तो ईश्वर कब से अपना प्रकाश कर रहा है? सातवा, क्या भगवान कभी पैदा या मृत्यु को प्राप्त हुए हैं? आठवा, अगर ईश्वर पैदा नहीं हुए तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? नौवा, अब सवाल उठता है कि ईश्वर जब ना दिखते हैं, ना उनका कोई नाम है, तो उन्हें पाया कैसे जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब गुरुजी के द्वारा उच्चारे गए मूल मंत्र के 9 शब्दों में है। एक अकाल पुरक एक है, अर्थात लोगों ने अपने अपने धर्म के अनुसार उसके अलग अलग नाम दे रखे हैं, परंतु वह परमात्मा अल्लाह एक ही है। ओमकार, करतार हर जगह है, अर्थात यह कहना गलत होगा कि करतार सिर्फ मंदिरों, दरगाहों, गुरुद्वारा और चर्च में मिलते हैं। सतनाम, सत्य वही है जो हमेशा सत्य रहे, इसलिए श्री गुरु नानक देव जी ने यह कहा है कि एक ईश्वर का नाम ही है जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। कर्ता पूरक, इस ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वह उसी की मर्जी से हो रहा है, वही करने वाला है। निर्भव, निर्वैर, करतार किसी से नहीं डरता, ना ही वह किसी विशेष से प्यार करता है और ना नफरत। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी कुछ तो उसने बनाया है और उसकी नजर में सभी बराबर हैं। अकाल मूरत, काल शब्द के 2 मतलब हैं, पहला मौत और दूसरा समय। कौन सा शब्द बोला जा रहा है यह बात के विषय पर निर्भर करता है। अकाल शब्द काल शब्द का विपरीत है, यानी जिसकी मौत ना हो सके, और गुरुजी यहाँ पर यह कह रहे हैं कि ईश्वर समय, जीवन और मृत्यु के चक्र से परे हैं। भगवान ना ही कभी जन्म लेते हैं और ना ही कभी उनकी मृत्यु होती है। इस धरती पर एक ईश्वर ही है जो कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ऐ जुनी, जब आत्मा इस धरती पर किसी जीव के रूप में जन्म लेती है तो उसे हम जुनी कहते हैं। हम कहते हैं कि उसने इंसान जूनी में जन्म लिया, तो कभी कहते हैं पशु जूनी में जन्म लिया। अजूनी जूनी का विपरीत है, यानी ईश्वर कभी किसी जूनी में पैदा नहीं होते। सहभंग, अब प्रश्न यह उठता है कि जब ईश्वर कभी पैदा नहीं हुए तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसका जवाब सहभंग है, यानी ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, अपनी उत्पत्ति उन्होंने स्वयं की है। इसलिए जब ईश्वर को ना तो किसी ने बनाया है और ना ही उसका जन्म हुआ है, इसलिए वह हमेशा से ही विद्यमान है। गुरु प्रसाद, अब सवाल उठता है कि ईश्वर जब ना दिखते हैं, ना उनका कोई नाम है, तो उन्हें पाया कैसे जा सकता है? इस बात का जवाब श्री गुरु नानक देव जी ने देते हुए कहा
कि ईश्वर को हम गुरु के माध्यम से ही पा सकते हैं, और संत कबीर ने भी इस बारे में कहा है, गुरु गोविंद दउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुआ अपने गोविंद दियो बताए। सतनाम श्री वाहे गुरु।